ये अर्टिका गाड़ी है, इसमें ना ड्राइवर का कंप्लेन था, एबीएस की लाइट बता रही है। ये एबीएस, ये अपना 60 से ऊपर जाती है गाड़ी तब काम करता है, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। ये गाड़ी स्टार्ट है फिर भी ये लाइट नहीं जा रही है। देखो मैं बंद बंद किया, अभी गाड़ी आई और ये जानी चाहिए। गाड़ी स्टार्ट किया, सब लाइट गई और वो एबीएस की लाइट नहीं गई। तो अभी स्कैनिंग करेंगे। स्कैनिंग का इसका प्रोसेस, ये पैनासोनिक का लैपटॉप है, इसमें मारुति का ये दिया गया है सॉफ्टवेयर है। ये अर्टिगा मारुति कंपनी की गाड़ी है तो इसके लिए मारुति का। फिर उसके बाद डायग्नोसिस में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक फॉर्मेट आता है, वो फॉर्मेट पूरा भरना पड़ता है। अगर थोड़ा एक भी गलत हुआ ना तो स्कैनिंग प्रॉपर नहीं हुआ, कुछ ना कुछ मतलब छूट जाता है उसमें। ये जापान है तो ये ऑर्डर कर देंगे इसमें। फिर इस पर सेलेक्ट करेंगे, ये अर्टिगा है, अर्टिगा ये अपना पेट्रोल है तो अर्टिगा लेंगे। हाँ, उसमें ऑर्डर्स में जाएंगे, ऑर्डर्स बराबर है, ओके करेंगे। फिर ओके करने के बाद यहाँ पे चेसिस नंबर डालने का रहता है, तो अभी मैं 00 डाल दे रहा हूँ। ऐसे चेसिस नंबर डालना बेहतर रहता है। हो जा जल्दी, कितना टाइम ले रहा है। उसके बाद फिर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया, तो ये ऑर्डर्स में जाएंगे। फिर आया, ये अपना टू व्हील ड्राइव है, टू पे लेंगे। फिर आया, विथ सेंट्रल गेटवे लेंगे, ओके करेंगे। फिर यहाँ पे ओके करेंगे और फिर यहाँ राइट के निशान पे सब ले लेंगे, इस पे मारेंगे तो सब सेलेक्ट हो जाएगा। देखो सब सेलेक्ट हो गया। अभी उसके बाद अपना डीटीसी में जाएंगे, स्कैनिंग कंप्लीट। ये क्या बता रहा है, ये दो बता रहा है, एक लेफ्ट फ्रंट व्हील स्पीड सेंसर सर्किट वोल्टेज, अपना लेफ्ट साइड का सेंसर या तो चेक करना पड़ेगा वायरिंग में प्रॉब्लम है या फिर सेंसर गया है। और फिर ये दूसरा, ये इवोप्रेट एसी, इवोप्रेट टेम्परेचर सेंसर, वो इसका बता रहा है अंदर, यहाँ इधर अंदर इधर में रहता है वो सेंसर का बता रहा है। उससे कोई मतलब नहीं है, एसी बराबर काम कर रहा है, वो एसी दिखा रहा है, दिखाते। तो ये सेंसर नया डालना पड़ेगा या रिपेयर कर सकते तो रिपेयर कर देंगे, रिपेयर हो जाएगा तो रिपेयर करेंगे और नहीं तो नया डालना पड़ेगा। वैसे ये कंपनी है तो इधर रिपेयर नहीं होगा, ये नया डालना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।